बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर थर्ड लेक्चर दैट इज द लेक्चर ऑफ फर्स्ट लेसन. द नेम ऑफ लेसन इज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. सो डियर स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 8. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इस कदर मुतासिर हुए अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से दैट ही रिप्लाइड कि उन्होंने जवाब दिया सन ऑफ माई ब्रादर मेरे भाई के बेटे कोथ हाईवे अपने रास्ते पर चलो नन विल डे टच दी कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता. आई शैल नेवर फोरशेक दी मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. फोरशेक तन्हा छोड़ना नंबर 9 पैराग्राफ. एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो हाई वे और रसूल सल्लम अपने रास्ते पर चले. अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन फॉर हिम जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस मुकद्दस रहनुमाई से लैस एंड फर्म डिटर्मिनेशन एंड फर्म रेजोल्व और पुख्ता अज़म के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया ऑल द चैलेंजेस तमाम मसाइल का विद ग्रेस शान के साथ एंड डिग्निटी और अजमत के साथ. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मसाइल का शान और अजमत के साथ मुकाबला किया. इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन बहुत ही कम वक्त में उन्होंने ऊपर उठाया मैन इंसानियत को टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल मुमकिना बुलंद तरीन सतह तक. इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स दोनों रूहानी और दुनियावी गलबों में. ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स वो एक भरपूर कुव्वत थी बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट अरब फातहीन के पीछे विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग जिन्होंने पैदा किया एक लाजवाब इम्प्रेशन तासुर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख पर. नो वंडर इसमें कोई हैरानगी नहीं है ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज आपको यूनिवर्सली आफाकी तौर पर एक्नॉलेज तस्लीम किया जाता था एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर माहिर तरीन फिगर शख्सियत के तौर पर फिगर शख्सियत को कहते हैं हिस्ट्री तारीख में आपको तारीख में बा असर शख्सियत के तौर पर जाना जाता है. इन द वर्ल्ड ऑफ माइकल हार्ट के अल्फाज में अ ग्रेट हिस्टोरियन एक अजीम तारीखदान मोहम्मद सल्लम हाउएवर वाज रेस्पॉन्सिबल मोहम्मद सल्लम ताहम जिम्मेदार थे फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम दोनों इस्लाम की मजहबी तालीमात थियोलॉजी मजहबी तालीमात को कहते हैं एंड इट्स मेन एथिकल और इसके अहम तरीन इखलाकियात एंड मॉरल प्रिंसिपल्स और इखलाकी असूलों के. इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल मजीद ये कि आपने एक अहम किरदार अदा किया इन प्रोसेलिटाइजिंग तबलीग करने में आशात करने में द न्यू फेथ नए अकीदे की मजीद बरा आपने नई अकीदे की तरवी में एक अहम किरदार अदा किया एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस और मजहबी तालीमात के कायम करने में इस्टेब्लिश कायम करना. इन फैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स हकीकत में एक बढ़ती हुई कुव्वत के तौर पर बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट अरब के फातहीन के हकीकत में आप एक बढ़ती हुई कुव्वत के तौर पर उनके पीछे थे. ही मे वेल रैंक आपको एक अच्छा दर्जा दिया जा सकता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर एक बासर तरीन सियासी रहनुमा के तौर पर ऑफ ऑल टाइम हर वक्त के. द अरब कॉन्क्वेस्ट अरब के फातहीन ऑफ द 17वीं सदी के हैव कंटिन्यूड टू प्ले उन्होंने जारी रखा किरदार अदा करना एन इम्पॉर्टेंट रोल एक अहम किरदार अदा करना इन द ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख में डाउन टू द प्रेजेंट डे और अब तक. सच पैराग्राफ नंबर 10 सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की एक मुकम्मल तब्दीली ऑफ मैन एंड सोसाइटी मैन इंसानियत को कहेंगे सोसाइटी माशरे को कहेंगे इस तरह की इंसान और माशरे की मुकम्मल तब्दीली ओज टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ओज मरहून मिन्नत है रसूल सल्लम के डीप फेथ एक गहरे अकीदे इन अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला पर टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी और इंसानियत के लिए उनकी मोहब्बत एंड टू नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर और उनके किरदार की शराफत इस तरह की मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर गहरे अकीदे उनकी इंसानियत के लिए गहरी मोहब्बत और उनके किरदार की शराफत की मरहूने मिन्नत है.
सेकेंड इस अगरचे हिज लाइफ इज़ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, अगरचे उनकी ज़िंदगी पैरवी करने के लिए एक मुकम्मल मिसाल है। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लम, रसूल सल्लम की ज़िंदगी के बारे में हज़रत आयशा सैद, हज़रत आयशा ने फरमाया हिज मॉरल्स एंड करेक्टर्स, आपके अखलाकियात और आपका किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट, एक मुजस्म मिसाल है ऑफ द होली कुरान पुराने पाक का। एम्बॉडीमेंट मुजस्म को भी कहते हैं और मुबोलता सबूत भी कहते हैं। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में हतमी अल्फाज इन द होली कुरान इस कुरान पाक में हैं, नबी श्योरली, ए नबी यकीनन, वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, हमने भेजा आपको एक गवाह के तौर पर, एज अ बेरर, एक देने वाले के तौर पर, ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी, एक खुशखबरी देने वाले के तौर पर, एंड एज अ वार्नर, और एक खबरदार करने वाले के तौर पर, एंड एज द वन, और एक ऐसे शख्स के तौर पर, इनवाइटिंग टू अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ दावत दे बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, एक रोशन चराग के तौर पर। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेक टू द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पेज। डेयर जुरत करना, फोरशेड छोड़ देना, चूजन मुंतखब करना, रिजॉल्व अजम को कहते हैं, चैलेंजेस मुश्किलात, डिग्निटी अजमत, कंक्वेस्ट फतह, इम्प्रेशन तासुर को कहते हैं, यूनिवर्सली आफाकी, थियोलॉजी मजहबी तालीमात को कहते हैं, मॉरल अखलाक को कहते हैं, प्रूजलीटाइजिंग तबलीग करने को, और प्रैक्टिस तालीमात, पॉलिटिकल सियासी, थ्रो धारो मुकम्मल, ओ मरहून मिन्नत होना, नोबिलिटी अजमत को कहते हैं, रिप्लाई करना जवाब देना, करैक्टर किरदार, सेवियर निजात दहिंदा, विटनेस गवाह, वार्नर तंबी करने वाला। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फर्म, पुख्ता या पक्का इरादा होना, टच छूना, एम्ब्यूड लबरेज होना या हमराह होना, इनकाउंटर मुकाबला करना, ग्रेस शान को कहते हैं, एलिवेट करना बुलंद करना, एवर लास्टिंग लाजवाब, वंडर हैरत, एक्नॉलेज तस्लीम करना, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, इन एडिशन मजीद, इस्टेब्लिश कायम करना, इन्फ्लुएंशियल असरअंदाज होने वाला, इम्पॉर्टेंट अहम, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, ह्यूमैनिटी इंसानियत, मॉडल नमूना, मॉरल हौसला, एम्बॉडीमेंट मुजस्मा, श्योरली यकीनी, बेरर रखने वाला, परमिशन इजाजत को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल योर बुक अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, एंड ऑन क्लास वर्क यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड विच वर गिवन टू यू। सो थैंक यू वेरी मच विद दिस लेक्चर, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।